हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वोल्टास कंपनी के एयर कंडीशनर या एसी के रिमोट को रिपेयर करना सीखेंगे दोस्तों। प्रॉपर इसका बटन भी नहीं काम कर रहा है दोस्तों, और सेल लगाने के बाद इसका डिस्प्ले भी नहीं ऑन हो रहा है, कोई भी फंक्शन इसका काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम एक बार इसके सेल को लगा करके भी दिखा देते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हम इसमें सेल लगाते हैं और देखिए सेल लगाने के बाद भी इसका जो डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, देखिए किसी प्रकार का इसमें नहीं आ। देखिए हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद भी इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसको फटाफट से हम खोलेंगे और खोल करके देखेंगे इसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है, क्या उसमें कोई फॉल्ट आया है या फिर क्या हुआ है, सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देर न करते हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे फटाफट। तो देखिए दोस्तों, ये खुल गया है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि कंपनी का पैकिंग है दोस्तों, तो जानबूझ करते हैं। तो देखिए हम इसको ओपनर की सहायता से आसानी से ओपन कर लिए हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो इसका जो लॉक वगैरह है वो टूट जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। अब अंदर के जी देखिए स्क्रू दिए हैं, इन स्क्रू को हम खोल देते हैं फटाफट और इसके पैनल को हम निकाल करके देखेंगे क्योंकि इस तरह से फॉल्ट जो है इसके सर्किट पैनल पर ही आते हैं, अदर कहीं से इसका कोई फॉल्ट आने की इशू नहीं होती है दोस्तों। मेन इसमें जो है इसके सर्किट पैनल ही होता है। क्या कर रहे हैं, देखिए आराम से ये निकल चुका है बाहर, ये यहाँ से। तो देखिए पूरा प्रॉपरली हम इसको निकाल दिए हैं बाहर, और इसका देखिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले को भी आराम से हम यहाँ से निकाल देते हैं। डिस्प्ले देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फिक्स है। फिलहाल हम डिस्प्ले को भी हटा देते हैं यहाँ से और इसको साइड में रख देते हैं, और ये ऊपर का ये जो बटन है इसको भी हटा देते हैं। और देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसका ये जो प्रिंट दिखाई दे रहा है दोस्तों साइड साइड से, ये जितना प्रिंट है इन सभी प्रिंट को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे दोस्तों। यानी ये देखिए कार्बन वाला प्रिंट नहीं है, ये कापर वाला प्रिंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑयल लगा कर या फिर थीनर, पेट्रोल कुछ भी लगा कर हम इसको साफ कर देंगे तो ये जो है प्रॉपरली वर्क करने लगेगा और इसका अधिकतर फॉल्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको फटाफट साफ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसको हल्का हल्का घिस देंगे ताकि इस पर जो भी डस्ट वगैरह है या फिर कार्बन वगैरह लगा हुआ है सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा तो ये प्रॉपरली जो है वर्क करने लगेगा। तो जितना प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है सभी प्रिंट को अच्छी तरह से साफ़ करना है। देखिए डिस्प्ले वाला भी प्रिंट है, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं, मतलब एक भी प्रिंट आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, तभी ये जो है रिमोट आपका अच्छी तरह से वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से ये साफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे फटाफट, देखिए दोस्तों यह जो इसका बटन वाला है इसको हम साफ कर लेते हैं। बटन भी काफ़ी गंदा हो चुका है दोस्तों, तो हम इसको ब्रश की सहायता से इस तरह से साफ कर लेंगे। और इसके ये जो बटन वाला देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा साफ करना है क्योंकि जब तक ये साफ नहीं होगा दोस्तों तो यहाँ से भी बहुत अधिकतर फॉल्ट आते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए हम इन सभी बटन को अच्छी तरह से इस तरह से साफ कर लेते हैं, खोले हैं बनाने के लिए दोस्तों। तो पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको रिपेयर करें, कोई भी काम करें दोस्तों तो पूरा लगन के साथ करें ताकि किसी प्रकार का कोई शिकायत ना हो, कस्टमर का भी कोई शिकायत ना आए दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, यह जो ऊपर का है इसको हम अच्छी तरह से सूती कपड़े से इसको पोंछ देंगे। देखिए सूती कपड़े से ही इसको पोंछना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है दोस्तों, बहुत ही आराम से इसको साफ कर देना है। देखिए इसका डिस्प्ले भी साफ़ हो चुका है। तो देखिए दोस्तों हमने इसके बटन को अच्छी तरह से लगा लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्प्ले को फिक्स करेंगे। तो देखिए बहुत ही ध्यान से डिस्प्ले को लगाना है, ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो डिस्प्ले जो है वर्क नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको इसमें लगा कर देखिए फिक्स कर दिया, डिस्प्ले भी इसमें लग गया अच्छी तरह से। अब ये जो इसका सर्किट पैनल है इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। देखिए जैसे हमने इसको निकाला है ठीक उसी प्रकार इसको हम रखेंगे दोस्तों, तभी ये अच्छी तरह से बैठेगा। देखिए इसमें हम सभी को सभी जगह पर अच्छी तरह से फिक्स करना है, इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से अपने जगह पर हो चुका है, बैठ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्क्रू को फटाफट लगा देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर जो स्क्रू था वहाँ पर हम इसको कस देते हैं, फिर एक बार हम क्या करेंगे इसमें सेल लगा करके चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों।
बहुत ही आसान है रिपेयर करना, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दोस्तों। बस इसको ओपन करना है और इसके जो बटन वगैरह हैं उसको आपको बस नॉर्मली साफ़ कर देना है, और इसमें कोई भी कला नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान इसका सर्किट होता है और ये पूरी तरह से डिजिटल सर्किट है, इसीलिए आप परेशान ना हों। जो दोनों स्क्रू था इसको भी हम कस देते हैं। पूरा तरह से सब कुछ फाइनल करने के बाद हम लास्ट में इसमें सेल लगा करके इसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए ये दोनों स्क्रू भी हमारा टाइट हो गया है, ये दोनों न्यू सेल लगाएंगे। देखिए दोस्तों दोनों न्यू सेल हम लगा करके एक बार देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं दोस्तों। तो हम एक बार इस सेल को भी चेंज कर देते हैं। तो देखिए फटाफट इसमें हम न्यू सेल डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सब कुछ सही रहने के बाद भी सेल ही ख़राब हो जाता है, तो जिससे हमारा रिमोट वर्क नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों इस पर डिस्प्ले आ चुका है बिल्कुल ही, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिए डिस्प्ले एकदम आ गया है। देखिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, देखिए ऑफ़ हो गया है, और जैसे ही ऑन किया तो देखिए इसका डिस्प्ले बिल्कुल ही आ चुका है दोस्तों, देख पा रहे हैं कितना अच्छी तरह से। देखिए डिस्प्ले चल रहा है, यानी यह जो रिमोट है बिल्कुल ही अच्छी तरह से वर्क करने लगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए सब कुछ इसके सही हो चुके हैं, देखिए इसका मोड भी चेंज होने लगा। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों ये वर्क भी करने लगा दोस्तों, यानी यह जो एसी का रिमोट है बिल्कुल ही सही हो चुका है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसको ऑफ़ कर देते हैं, और ये हमारा रिमोट जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से वर्क करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।